हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल पर और आज की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। गाइस, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे केवाईसी के बारे में। फोन पे की फुल केवाईसी आप घर बैठे कैसे कर पाओगे, वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर में। जैसा कि आपने टाइटल और मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, पूरा फुल प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। केवाईसी करना हर एक ऑनलाइन जो वॉलेट जितने भी है उनमें सभी में पहले तो क्या होता था कि आप केवल आधार कार्ड नंबर डालते थे, ओटीपी वगैरह आता था, तो ऑनलाइन आप केवाईसी वगैरह कर लेते थे। लेकिन अभी इनको कह दिया गया है सभी को आरबीआई के थ्रू कि भैया आपको फुल केवाईसी करना पड़ेगा, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनका आपको फुल केवाईसी करना पड़ेगा, तभी वो आपकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। तो ये सारा झमेला क्या है इसके बारे में आज हम वीडियो में डिटेल में जानेंगे और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे फोन पे की फुल केवाईसी करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी नई नई वीडियो जो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंटली पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लगता है कि यार हाँ यार कोई कमी रह गई या कुछ मेरे से बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दे सकूं। और मोस्टली जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं उन सभी का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोन पे की, जो फुल केवाईसी है वो अगर आप ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं तो मेरे भाई फोन पे की फुल केवाईसी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। मिनी केवाईसी जैसे पेटीएम में होता था पहले, सभी लोगों का केवल आधार नंबर डालते थे आप केवाईसी वाले सेक्शन में जाकर के और वहां पे अपना आप ओटीपी वगैरह आता था वो फिल कर देते थे, आपकी केवाईसी हो जाती थी 1 साल के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे फुल केवाईसी की बात हो रही है तो फुल केवाईसी करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपके फोन पे अकाउंट की जो है फुल केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगी। देखिए, फुल केवाईसी और मिनी केवाईसी में क्या होता है डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। मिनी केवाईसी में वो लोग ऑनलाइन ही आपका डेटा चेक करते हैं, लेकिन आपका जो फुल केवाईसी होता है उस पर आपका डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, फिजिकली वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई बंदा आएगा फोन पे की तरफ से। अब उस बंदे को बुलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ेंगे, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फोन पे एप्लीकेशन की तरफ से अभी फिलहाल के लिए केवल एक नोटिफिकेशन गया है, एक ईमेल आप सभी लोगों के पास भी आ गया होगा और अगर नहीं आया तो कुछ दिन वेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एक ईमेल यहाँ पे मिलने वाला है। ईमेल में ये बोला जाएगा कि हम वॉलेट की अगर आपको सर्विसेज वगैरह यूज करनी है फोन पे एप्लीकेशन की तो आपको यहाँ पे मिनी केवाईसी के साथ साथ में अब आपको फुल पे केवाईसी करनी पड़ेगी। फुल केवाईसी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, देखिए अभी फोन पे एप्लीकेशन में कुछ दिनों में एक अपडेट आने वाला है तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, जैसे ही वो अपडेट आता है मैं आप सभी तक ये अपडेट पहुंचा दूंगा। अपडेट किस तरीके का आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपने अमेजन की केवाईसी करी होगी तो आप लोगों को ध्यान होगा किस तरीके से आपको अमेजन ने फुल केवाईसी की थी, नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। बेसिकली एक फोन पे एप्लीकेशन में अपडेट आएगा जहां पे जाकर के आपको अपनी केवाईसी के लिए पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं पे अपलोड कर देना है। मैं जो बता रहा हूँ 99% ऐसा ही होने वाला है, मे बी जब फोन पे का आएगा तो मैं आपको क्लियरली और बता दूंगा। जैसा कि अमेजन या बाकी जितने भी वॉलेट है उनकी केवाईसी हुई है फुल, उसके बेस पे मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूँ। मैं कोई भी ऑफिशियली फोन पे की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कैसे कैसे होगा, लेकिन जितने भी बाकी वॉलेट्स हैं उनके बेस पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। फोन पे की तरफ से केवल अभी ये अनाउंसमेंट किया है अब हम फुल केवाईसी करने वाले हैं। फुल केवाईसी के लिए आपको क्या करना होगा, फोन पे एप्लीकेशन में कुछ दिनों बाद एक अपडेट दिखाई देगा, उस अपडेट में आपको केवाईसी वाले सेक्शन में जाना होगा। अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको बोला जाएगा फुल केवाईसी। अब फुल केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दो, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर दो, फिर आपको बोला जाएगा कि कौन सा टाइम आप सेलेक्ट करना चाहते हो, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद का एक टाइम आएगा, उस टाइम पीरियड में आपको घर पे अवेलेबल होना होगा या अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने होंगे। हमारा एक एग्जीक्यूटिव आएगा फोन पे की तरफ से और वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जाएगा, ये सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके आपकी फोन पे की फुल केवाईसी यहाँ पे होगी। अगर आपको कोई भी, मैं भी अपना बात करूं, किसी की भी बात करूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप फोन पे की जो फुल केवाईसी है वो आप बिना किसी को घर बुलाए आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, तो भाई ये शायद आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। फोन पे की आप मिनी केवाईसी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको फुल केवाईसी करना है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपसे 2 चीजें मांगी जाएगी। सबसे पहला होगा पैन कार्ड मस्ट कंपलसरी होगा हर एक यूजर के लिए, एंड दूसरा होगा एड्रेस प्रूफ।
अब एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, अपना आधार कार्ड दे सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या अगर कोई और भी गवर्नमेंट इश्यू आईडी है तो आप वो सब चीज एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे दे सकते हो। और एक आपको आपको पैन कार्ड, ये दो चीजें आपको देनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका वॉलेट पेटीएम जो सॉरी फोन पे वाला जो वॉलेट है फुल केवाईसी में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है कि भैया मैं यहाँ पे फुल केवाईसी नहीं करना चाहता हूँ तो क्या मैं फोन पे की सर्विसेज को यूज कर पाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने फोन पे रिसर्च करी है, कॉल सेंटर पे मैंने बात करी, उसके बेस पे आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। अगर आप फोन पे की फुल केवाईसी नहीं करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपके पास फोन पे में कोई भी कैशबैक बढ़ा हुआ है, आप बिल पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी फोन पे की सारी सर्विसेज को आप यूज कर पाओगे बिना केवाईसी के। लेकिन यदि आपके वॉलेट में कोई कैशबैक कहीं से भी आता है, जैसे कि मान के चलिए रिचार्ज किया आपने 20 रुपए का कैशबैक आ गया, 150 का रिचार्ज किया आपने बैंक से 20 रुपए का कैशबैक आ गया, तो रिचार्ज तो आपने बैंक से कर लिया, पैसे आपके बैंक से कट गए, लेकिन जो 20 रुपए का कैशबैक आया उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारा फोन पे सर्विसेज को यूज करना। तो केवाईसी हर एक यूजर के लिए मेरे हिसाब से जरूरी रहेगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को बस एक ही अपडेट पहुंचाना था। फोन देखिए कोई भी नई सर्विस आती है ना तो स्टार्टिंग फेज में कुछ हद तक वो सही काम करती है, बाद में उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने जाती है। तो फोन पे का जैसे ही फुल केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और फटाफट से अपनी केवाईसी कर लीजिएगा। और जैसे ही आप केवाईसी वगैरह कर लोगे तो आप सारे ऑफर्स को लूट सकोगे। एंड बाकी आने वाले वीडियोज में आपको अपडेट दे दूंगा किस तरीके से आपको फुल केवाईसी करनी होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं वो मैंने आपको बता दिया, कैसे होगा वो भी मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो में हर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी फोन पे फुल केवाईसी के रिगार्डिंग। अगर आपका भी कोई डाउट है या कुछ सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मैं भी लूंगा आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो बोलते रहिएगा जय हिंद।